सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारी गोलाबारी और हवाई हमलों ने राजधानी खार्तूम और ओम डुरमैन शहर में बुरी तरह से तबाही मचाई है। गृह युद्ध को लेकर दोनों पक्षों ने 24 घंटे के संघर्ष विराम की सहमति बनी, लेकिन वो जल्द ही टूट गई। इस गृह युद्ध में 31 भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने बातचीत शुरू कर दी है। सूडान में लड़ रहे दोनों गुटों को अलग अलग देशों का समर्थन मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की मिलिट्री को मिस्र का साथ है, जबकि पैरा मिलिट्री ग्रुप को UAE और सऊदी अरब से मदद मिल रही है। हालांकि सभी देशों ने दोनों गुटों से लड़ाई रोकने की अपील की है। WHO ने बताया कि बुधवार को पांचवें दिन तक गृह युद्ध के दौरान 270 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि अगर ये लड़ाई रोकी नहीं गई तो इससे पूरा देश तबाह हो सकता है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच इस लड़ाई में कर्नाटक के 31 आदिवासी सूडान में फंस गए हैं। सभी लोग शहर अल फसेर में रह रहे हैं। ये लोग भारत से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचने के लिए सूडान गए थे। इनमें से 19 लोग कर्नाटक के हुनसूर, 7 शिवामोगा और 5 लोग चन्नागिरी के रहने वाले हैं। सूडान में फंसे भारतीयों में से एक ने इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात की। उसने बताया कि हम पिछले 4 से 5 दिनों से एक किराए के मकान में फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बाहर धमाकों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। इस बीच वहाँ फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत पूरे मामले पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री SJ ने अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और सऊदी अरब से वार्ता कर समन्वय शुरू कर दिया है। चारों देशों से चर्चा के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का शुक्रिया, जो हमारे संपर्क में हैं। उन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और ब्रिटेन अमेरिका से भी समर्थन का आश्वासन मिला है। वहीं सूडान में फंसे लोगों के परिजनों ने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द निकालने की अपील की है। इस गृह युद्ध में एक सेवानिवृत्त भारतीय की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल वसीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इसके बाद लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे। बाद में वहां एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। 2021 में यहां दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हो गया। अब सिविलियन रूल लागू करने की डील को लेकर मिलिट्री और पैरामिलिट्री आमने सामने हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।